आपने अपने YouTube चैनल से कितनी पेमेंट अभी तक ली है? अपने YouTube चैनल से फ्री पेमेंट रिसीव कर लिया है और उसमें मैक्सिमम 4 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, मतलब बहुत सारी हमारे वीडियो है जो वायरल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे साइड में मैंने एक चैनल को ओपन किया है और मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ कि अगर ये गलती आप करोगे तो YouTube पे कभी भी एक ढेला नहीं कमा पाओगे, एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाओगे। ये भाई के चैनल पे 3 पेमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं और 4th पेमेंट रुकी हुई है, लेकिन ऐसी कंडीशन इस चैनल की हो चुकी है कि आज के टाइम पे इनके चैनल पर $1 बनने में 15 से 20 दिन लग जा रहे हैं। जिस चैनल पे मोस्ट पॉपुलर वीडियो आप देख सकते हो 4 लाख+ व्यूज है और उस चैनल की कंडीशन आज ऐसी है कि $100 कंप्लीट करने में 7 से 8 मंथ लग जा रहा है, 7 से 8 महीने लग जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इन्होंने गलती क्या की है, और अगर आप ऐसी गलती करते हो तो मैं आपको खुद बता दूं कि YouTube पे एक ढेला नहीं कमा पाओगे, एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाओगे। तो सबसे पहले मैं भाई से ही कहूंगी कि वो बताएं अपने चैनल पर क्या गलती किए हैं, और ऐसी गलती आपको नहीं करना है अगर YouTube से पैसा कमाना है, YouTube पे ग्रो होना है और YouTube पे अपने नाम को बनाना है। तो सबसे पहले पंकज जी, आप मेरी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो देकर बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या आपके YouTube चैनल का नाम है। तो मैम, सबसे पहले आपको नमस्ते, और आपके जितने भी YouTube फैमिली हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैम, मेरा नाम है पंकज कुमार तिवारी और हमारे चैनल का नाम है यहाँ पर सीखो। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा पंकज भाई का नाम और उनके यूट्यूब चैनल का भी नाम। अब पंकज भाई से मैं पूछूंगी कि पंकज भाई, आपने अपने यूट्यूब चैनल को कब बनाया था, कितना टाइम हो गया? तो मैम, हमने अपने YouTube चैनल को 2018 में हमने क्रिएट किया था और 19 में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया इनका चैनल 2018 में क्रिएट हुआ है, 19 में मोनेटाइज हो गया है, अराउंड 4 साल लगभग हो गया। आपने अपने YouTube चैनल से कितनी पेमेंट अभी तक ली है? मैम, हम अपने YouTube चैनल से 3 पेमेंट रिसीव कर लिया है और 4 पेमेंट हमारी जल्दी आने वाली है, मैक्सिमम $88 इस समय हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आपने सुन लिया, इन्होंने अपने YouTube चैनल से 3 पेमेंट ले लिया है एंड 4th पेमेंट आने वाली है जिसमें $88 कंप्लीट हो चुका है, मतलब $12 अगर और कंप्लीट हो जाएगा तो इनके चैनल पर 4th पेमेंट आ जाएगी। एंड मैं ये पूछना चाहूँगी पंकज भाई जी, आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस पर कितना व्यूज़ है? मैम, जो हमारा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उसमें मैक्सिमम 4 लाख से ज़्यादा व्यूज हैं, मतलब बहुत सारी हमारे वीडियो है जो वायरल है जिसपे 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख ऐसे व्यूज हैं। बट एक हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, हमने अपने उसमें फेस नहीं दिखाया था, और वो वीडियो थी हमारे व्हाट्सअप स्टेटस के बारे में, मतलब व्हाट्सअप स्टेटस में कुछ प्राइवेसी सेटिंग होती हैं, उन्हें हम कैसे अनेबल करते हैं, उन्हीं के ऊपर एक वीडियो हमने बनाया था। वो वीडियो 2 या 3 मिनट की थी जी जी, लेकिन आज उसी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं, मैक्सिमम 4 लाख। फ्रेंड्स, आपने सुना कि 4 लाख+ मैक्सिमम व्यूज है, 3 पेमेंट इन्होंने ले ली और आज इनका चैनल बिल्कुल एकदम से जैसे कहते हैं फ्रीज हो चुका है। और अभी की इनकी अर्निंग मैं आपको साइड में शो भी कर दूंगी और इंट्रो में भी बताया है, अब इन्होंने अपने चैनल पर गलती क्या की है उसके बारे में आपसे पूछेंगे। अभी पंकज भाई जी, आपके चैनल पर जो रियल टाइम व्यूज है वो कितना शो कर रहा है? मैम, इस समय हमारे चैनल पे जो रियल टाइम व्यूज है वो 400, 450 ऐसे आता है। फ्रेंड्स, आपने सुना काफी भाई ने क्या बोला कि जो रियल टाइम व्यूज है 400-500, मतलब 48 घंटे में 2 दिन के अंदर 400-500 व्यूज आ रहा है। जिस चैनल पर 4 लाख+ व्यूज एक वीडियो से था, उस वीडियो की रियल टाइम व्यूज 400 है। सॉरी, एक चीज और पूछना चाहूंगी पंकज भाई जी, कि आपका जो रियल टाइम नहीं 28 डेज का व्यूज कितना आपके पूरे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है अभी के टाइम पे? मैक्सिमम 1400-1500, मतलब इनके चैनल पर मैक्सिमम 28 दिन की मैं पूछ रही हूँ कि 28 दिन में 28 दिन में कितना व्यूज आ रहा है? मतलब 28 दिन में तो मैम देखना पड़ेगा, वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगा सकती हैं 48 घंटे में अगर 400-500 आते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि 48 घंटे में 400-500 आ रहे, पर पंकज भाई को अनुमान नहीं है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है, यहाँ मैं साइड में लगा दी हूँ, आप देख लीजिए कि यहाँ पे 5000+ व्यूज दिखा रहा है, वो भी 28 दिन में। अब आप समझ सकते हैं कि 28 दिन में 5000+ व्यूज आया है तो अर्निंग कितनी होगी? जो जी जी, जबकि पहले काफी व्यूज आते थे एक महीने में, एक चीज और पूछना चाहूंगी पंकज भाई जी मैं आपसे कि आपके चैनल की ये कंडीशन कैसे हुई, मतलब आपके चैनल पर इतना व्यूज आने के बाद, आप इतना अच्छी अर्निंग करने के बाद आज आपके कंडीशन ऐसी है कि आप एक महीने में $2-3 हो रहा है, तो एक्चुअली आपने क्या गलती की अपने चैनल पर?
मैम हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई और हमने जो गलती किया है आज हम आपको बताने वाले हैं। मैंने मैम पहले क्या था, हम व्हाट्सएप या फिर मोबाइल से रिलेटिव या फिर कंप्यूटर से रिलेटिव इस टॉपिक पे वीडियो बनाते थे, बट हमने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो यूट्यूब के बारे में वीडियो बना रहे हैं, और उस समय यूट्यूब का क्रेज काफ़ी था कि मतलब लोग चैनल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। तो हमने टेक्निकल योगी सर और धर्मेंद्र सर, मनोज दे का भी वीडियो हमने काफ़ी देखा है, तो ज़्यादातर लोग इसी टॉपिक पर वीडियो बनाते थे कि वीडियो कैसे यूट्यूब पर अपलोड करें, अच्छा सा थंबनेल कैसे बनाए, चैनल कैसे बनाए। तो हमने भी सोचा कि यार मतलब इस पर ज़्यादा व्यूज आते हैं तो चलते हैं हम भी अपना कटघरी चेंज करते हैं और हम भी यूट्यूब के बारे में बताने लगेंगे, क्योंकि उस समय हमारे चैनल 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर थे और इस समय तो 19,000 से ज़्यादा हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर वाले हैं, अगर हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो लोग हमारी वीडियो देखेंगे और अच्छे खासे व्यू जाएंगे, और उस पहले वाले जो कटघरी था उसे हमने बिल्कुल छोड़ दिया और यूट्यूब के बारे में बताना शुरू कर दिया, और उसी के कारण आज हमारे चैनल पर सबसे बड़ी गलती हुई है जिनकी वजह से व्यूज नहीं आते हैं मैम, क्योंकि हमने कटघरी चेंज कर दिया, यूट्यूब के बारे में बताना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स आपने बात सुनी भाई की ध्यान से, इन्होंने क्या कहा, पहले जिस कैटेगरी में वीडियो बनाते थे जिसपे इनके वीडियो वायरल जा रहे थे, 3 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख व्यूज बराबर आ रहे थे वीडियो पे, इन्होंने क्या किया उस कैटेगरी को छोड़ के यूट्यूब टिप्स देना स्टार्ट कर दिया, और जिसके वजह से इनके चैनल का एकदम रिच डाउन हो गया और आज किस कंडीशन पर इनका यूट्यूब चैनल पहुँच गया है, मतलब एकदम डेड हो चुका है। और एक गलती इन्होंने और भी की है जो भाई से ही मैं पूछ के आपको बताऊँगी, ये अपने चैनल पर जब इनका व्यूज डाउन हो गया तो ये अनएक्टिव हो गए, कितने दिन के बीच में आप वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया जब आपके व्यूज डाउन जाने लगे तो? हाँ मैम, जब हमारे पहले वीडियो पर व्यूज आते थे तो हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते थे, बट जब हमारा व्यूज डाउन हो गया तो वहीं से हम डीमोटिवेट हो गए और हम बीच में तीसरे या फिर हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते मिस कर दिए, फिर कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हम महीने भर भी मिस कर दिए, जिनकी वजह से हमारा चैनल बिल्कुल बर्बाद हो गया। फ्रेंड्स आपने सुना, इन्होंने कहा कि पहले जिस कैटेगरी में वीडियो बनाते थे उस कैटेगरी में इनको व्यूज आता था, फिर इन्होंने लोगों को देख के कैटेगरी चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद जब इनके व्यूज इनके चैनल का इंप्रेशन डाउन चला गया तो इन्होंने 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 15 दिन फिर 1-1 महीना गैप कर दिया, और इससे क्या हुआ इनका चैनल पूरा का पूरा डेड हो गया और पूरा का पूरा एकदम से समझ लीजिए खत्म हो गया। और आज ऐसी कंडीशन है कि पूरे 28 दिन की इनकी अर्निंग मतलब $2-3 होती है, जो कि मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि चैनल को मोनेटाइजेशन करने के चक्कर में मत पड़िए, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो भाई का आप चैनल देख सकते हो चैनल मोनेटाइज होकर भी अर्निंग नहीं हो रही है। जो 88 डॉलर आपके चैनल पर कंप्लीट हुआ है ये कितने मंथ में कंप्लीट हुआ है? अरे मैम ये तो अब क्या बताएं, 7-8 महीने लग गए और अभी लगता है कि $12 कंप्लीट होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। फ्रेंड्स आपने सुना, $88 मतलब $88 जो हम लोग हर महीने पेमेंट ले रहे हैं, और भाई के सिर्फ $88 मतलब $88 कंप्लीट होने में 5 से 6 महीने लग गए, और अभी $12 कंप्लीट होना बाकी है, मतलब $12 एक महीने में $2 या $3 का मतलब 3×4=12, मतलब 4 महीने इनको और लगेंगे $12 कंप्लीट होने में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके चैनल पे एक गलती के वजह से आज इस चैनल की ये कंडीशन हो गई, जिसपे आप देख सकते हो 19,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। और आपको क्या लगता है कि सब्सक्राइबर इंक्रीज कर लेने से, वॉच टाइम इंक्रीज कर लेने से आप यूट्यूब से अर्निंग करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। एंड अगेंस्ट मैं भाई से ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप इस चैनल पे आप कंटिन्यू काम करोगे या न्यू चैनल ओपन करके उस पे काम करोगे? नहीं मैम, हम इसी चैनल पर कंटिन्यू काम करेंगे और हमने जो पहले गलती किया था अब उसमें सुधार लाएंगे, और पहले जो टॉपिक पे वीडियो बनाते थे पुनः उसी टॉपिक पे हम काम करेंगे और आज से कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद हमें उम्मीद है कि हमारा चैनल अच्छी तरीके से, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे निकलेगा। एंड हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे कि वो ये गलती करें या ना करें, कुछ उनको सजेस्ट करना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? जी बिल्कुल, हम सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी भाई बहनों, मैं सभी से कहना चाहूँगा अगर आप भी ऐसी गलती करेंगे तो अगर आपके चैनल पे 1,000,000 सब्सक्राइबर हों तब भी कुछ होने वाला नहीं है, अगर आप जिस कटघरी को मतलब एक नीच को अगर आप पकड़ के वर्क करोगे तो आप हमेशा आगे जाओगे, हमेशा 80 ज़्यादा बहुत ज़्यादा अर्निंग करोगे। लेकिन अगर हमारे तरह आप भी गलती करोगे कटघरी चेंज करना तो चैनल हमारे जैसा आपका भी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती नहीं करना है जो हमने किया है।
फ्रेंड्स आपने सुना भाई ने क्या बोला कि जो गलती मैंने अपने चैनल पे की वो गलती आपको नहीं करना है। और यहाँ से आपको ये सीखने को मिला है कि देखी राखा पुण्य और देखी राखा पाप नहीं करना चाहिए। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आपको नॉलेज हो, जिस कैटेगरी में आपको पता हो उसी कैटेगरी में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लेडीजों को मैंने देखा है, बहुत सारी ऐसे भाइयों को देखा कि मुझे देख कर लोग चैनल क्रिएट कर रहे हैं टेक कैटेगरी में कि जब ये मैडम हाउसवाइफ होकर कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसके पीछे का रीज़न है कि आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप मुझे देख के आए हैं। अब मेरा इसी कैटेगरी में शुरू से मैंने काम किया, इसी कैटेगरी पे फोकस किया और इसी कैटेगरी में मैं काम कर रही हूँ, इसीलिए मेरी एक कैटेगरी एक निश है और मेरा चैनल चल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चैनल बना रहे हो कैटेगरी फिर बाद में चेंज कर रहे हो तो वो आपकी ज़िंदगी की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी जो ये भाई कर बैठे हैं। और इनका चैनल आज के टाइम पर फ्रीज हो चुका है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि इनकी अर्निंग कितनी है। इनके चैनल पे 28 दिन के अंदर सिर्फ 11 सब्सक्राइबर आए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एंड मैं सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई के चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके सपोर्ट करो। एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ ये काम करना चाहते हैं तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक मौका इन्हें और दो। एंड भाई आप भी मेरी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जी जी भाई, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ अनुरोध है, निवेदन है कि भाई आप लोग हमारे चैनल को, मेम के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे आप जाइए और एक बार हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं अच्छे सा अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा और आगे जो हमने गलती किया है बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जो मेम के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स भाई काफ़ी परेशान है क्योंकि इनके $88 आने के बाद चैनल पे अभी नेक्स्ट पेमेंट नहीं आ पाई है। तो मैं भी रिक्वेस्ट आप लोगों से हाथ जोड़कर करूंगी कि जाके सपोर्ट करो, बट ये गलती ना ही करना तो अच्छा है, वरना कसम ऊपर वाले की किसी को भी यूट्यूब से एक पैसा नहीं मिलेगा अगर भाई की तरह कोई गलती करेगा तो। बाकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इजीली उनको सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिला होगा और समझने को मिला होगा कि गलती करने वालों के लिए यूट्यूब पे कोई जगह नहीं है, उनको हमेशा के लिए बाय बाय टाटा है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और भाई के भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाके सपोर्ट करना, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा उनको खुशी होगी। और उसके बाद आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ इस तरीके से कोलाब करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी techkeshwar23 है। भाई ने भी मुझे वहीं से कॉन्टेक्ट किया है तो आप भी वहाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। बाकी फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।